आप एकदम क्रेजी हो। अब तो क्रेजी लव होना है अपने होने वाले पति के लिए। पता नहीं ये मैड इन लव वाली फीलिंग कब आएगी। चले नजर इश्क पे थोड़ा सा और इश्क पे करेंगे गौर इश्क पे ये दर्द है या है दवा होता यही है हर दफा चाहे जिसे वही खफा कैसा जब है फलसफा किस्सा तो नहीं आने वाले थे फिर कैसे आ गए। इश्की आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली मैं पापा के चेकअप में बिजी हूँ, इसीलिए तो आहान को एंगेजमेंट शॉपिंग के लिए भेजा है मैंने। मयंक शॉपिंग बाद में हो जाती, आप अपने बेस्ट फ्रेंड को क्यों परेशान कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड होते किस लिए, परेशान करने के लिए राइट। तुम शॉपिंग करो, बाय व्हाटएवर यू लाइक, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अब इश्की पहले मुझे शॉपिंग करवाएगी फिर भैया इश्की को। टू मच फन। ये कैसा लग रहा है, मैम के लिए। थैंक यू। सोनू जी थोड़ा चुन्नी को ऐसा आधा चेहरे पे गिरने दो ना, क्यों लगता है। फिल्म नहीं देखती क्या। सारी देखती हूँ। तो कुछ सीख भी लिया करो, ट्राई करो। एक मिनट। अरे ऐसे नहीं, रुको। ऐसे मैं ट्राई करके आती हूँ, जाओ। What the fuck? मेरा बिस्किट कहाँ गया? तुम्हारा बिस्किट? तुम्हारा बिस्किट ना तुम्हारी बकबक सुन के इतना इरिटेट हो गया कि चाय में डूब के ना मर गया। इधर देखिए, ज़ूम करके देखिए। अगर आपने मेरे बिस्किट खा लिया था तो सीधा सीधा बोल देते ना, ये स्टोरीज क्यों बना रहे। Are you mad? मैं आहान वीर मल्होत्रा तुम्हारे ये डिस्गस्टिंग चाय में डूबे हुए बिस्किट खाऊंगा। एक क्या, आपका जैसा नाम है ना, अब बिस्किट का पूरा पैकेट खा जाएंगे। एक आहान के नाम का, एक वीर के नाम का, बाकी के मल्होत्रा के नाम के। Just keep quiet. मुझे ना तुम्हारी किटकिट बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा बिस्किट तो बड़ा पसंद था आपको, तो चुरा कर खा गई वो बिस्किट थी। लोग घूर रहे, प्लीज तमाशा मत करो यहाँ पे। ओके, मैंने आपकी बहन के कपड़े सेलेक्ट करवा दिए, अब आप मेरे कपड़े सेलेक्ट करवाएंगे। तुम्हारी दादी जैसी दिखती है वैसी है नहीं, सिर्फ उन्हें पता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है।
रितु, ये क्या है? आहान को सच बता रही हूँ, उसका हक है कि वो सच जाने। चाची नहीं बता सकती, लेकिन ये बिना नाम की चिट्ठी तो बता सकती है ना। तुम जानती भी हो कि तुम क्या कर रही हो? जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं एक बेटे के मन से उसकी माँ की नफरत मिटाने की कोशिश कर रही हूँ। देखा नहीं आपने, मम्मी जी ने उसे बिल्कुल अपनी तरह बना लिया। मैं अपने आहान को पत्थर बनते हुए नहीं देख सकती, मैं अपने आहान को नफरत की आग में चलते हुए नहीं देख सकती। रितु, संभालो अपने आप को। ये जानने के बावजूद भी कि माँ माँ कितनी सिद्धि है। माँ ने साफ साफ कहा था कि अगर हमने आहान को सच बताया तो वो जान दे रही है। और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो कि माँ जो कहती है वो करती है। नहीं, मैं अपनी माँ को मरते हुए नहीं देख सकता। ठीक है, मैं एक बेटे को उसकी माँ का सच नहीं बताऊंगी, लेकिन एक माँ को यह तो बता सकती हूँ कि उसकी बेटी की शादी हो रही है। सावित्री भाभी का अपने बेटे की खुशियों पर हक हो या ना हो, उनका बेटा खुश है, उन्हें कम से कम इतना जानने का तो हक है ना। ये वाला कैसा लग रहा है? ये कलर कैसा लग रहा है? हाँ, ये वाला। मिस्टर स्टैचू वाले एवीएम, चले नजर इश्क पे थोड़ा सार, इश्क पे करेंगे वार, इश्क पे ये दर्द है या है दवा। क्या कर रही हो तुम? आप पुतला बनकर खड़े थे तो मैं पुतले को आप बना रही हूँ। बात तो एक ही है ना, जवाब तो दोनों में से किसी ने नहीं देना है। अब क्या है ना, एटलीस्ट इससे बात करूंगी तो आपकी वो इरिटेटिंग से एक्सप्रेशन नहीं देखने पड़ेंगे। ये ड्रामा बंद करो तुम। आप मुझसे बात कर रहे हैं? हाँ, तुमसे बात कर रहा हूँ। आपने मुझे नोटिस किया? देख, तुम मयंक के चक्कर में मैं यहाँ आया हूँ, ऊपर से तुम मुझे इरिटेट। मुझ पर कोई फेवर कर रहे हैं क्या आप? दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी, ये डायलॉग नहीं सुना क्या? दोस्ती निभाने आए तो निभाइए, कपड़े सेलेक्ट करवाने में मेरी मदद कीजिए। यूं मुंह में दही जमा कर पान चबा कर साइलेंट मोड पर होने की जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। क्यों? मुझसे बात करें तो क्या होगा, भूचाल आ जाएगा, हा? जमीन हिल जाएगी या धरती फट जाएगी। हाँ।
क्या हुआ ये? सॉरी 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 वेरी सॉरी, इनसे गलती से हो गया, माफी माफी। हाँ, एक नंबर की झूठी लड़की है। मैनेजर साहब, ये इन्होंने जानबूझकर नहीं किया, आपको बस गलती से हो गया। और अब क्या है ना कि एज हो गई है तो चीजें भूल जाते हैं। अब भूलने की दवाई दी तो वो खाना भूल गए तो चश्मा भूल गए, चश्मा भूल गए तो सुबह से बिना ब्रेक के रिक्शे की तरह इधर उधर इधर उधर टक्कर मारते घूम रहे हैं लोगों को। What the fuck? Listen, you... आपसे बात कर रहे हैं। Listen, you... देखिए आप, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब इसकी गलती। सही बोल रहे हैं, इन्होंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है, पर अगर फिर भी आप इन्हें कोई सजा देना चाहते तो ये उससे पीछे नहीं हटेंगे। चाचा, मैं मैनेजर हूँ। ओह सॉरी, फील में थोड़ा निकल गया। जज साहब, अगर फिर भी आप इन्हें कोई सजा देना चाहते तो ये पीछे नहीं हटेंगे मैनेजर साहब ना। ओके ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको इन पे कोई फाइन वाइन मारना है ना, बिंदास मार दीजिए। बहुत पैसे इनके पास, बड़े रिच है, तीन तीन नाम रख के इन्होंने बोलिए। कैसी बातें कर रही मैम आप? इनफैक्ट आहार सन की फैमिली हमारे बहुत पुराने कस्टमर हैं। डोंट वरी, वी कैन मैनेज। उठाओ उठाओ भाई, लगाओ। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने आपसे सॉरी नहीं मांगी, आप मुझे थैंक यू मत दो, हिसाब बराबर। सॉरी नहीं मांगी, थैंक यू मत दो, व्हाट इज रॉन्ग विद योर लैंग्वेजेस? नथिंग, मेरी सारी लैंग्वेजें अच्छी हैं। लैंग्वेजें? गॉड, तुम बस मुझे सीधे सीधे ये बात बताओ कि गलती जब तुमने की तो इल्जाम मेरे ऊपर क्यों डाला? वो करना पड़ा, मैनेजर की आंखें देखी थी इतनी बड़ी बड़ी, ऐसा लगा था मुझे डांटेंगे। पर आपके सामने मुझ जैसी सुंदर सुशील भोली भाली प्यारी सीधी सादी लड़की को कैसे डांटता, आपको बुरा लगता ना? बस इसलिए इल्जाम आप पर डाल दिया। और इल्जाम डाला है, कोई उबलता हुआ तेल नहीं डाल दिया आपके ऊपर जो इतना बिगड़ रहे हैं। आपकी पर्सनालिटी है, रॉब है, रुतबा है, एज है। बार बार तुम ये एज क्यों बार बार क्यों बोलती रहती हो? सॉरी सॉरी, आज के बाद नहीं बोलो। बोल रही हूँ, मैं भी तो बुरा लग जाता है जब बोलती हूँ, इन्हें भी लग गया। Missed you so much, Sonu. ये क्या बदतमीजी है? और तुम अंदर कैसे आए? मेरा हाथ छोड़ो। सोनू, ये हाथ पहली बार नहीं पकड़ रहा हूं। पहले तुमसे बहुत दूर रह चुका हूं मैं, अब और दूर नहीं रह सकता। तुम्हें पता है कितना मिस किया मैंने तुम्हें? तुमने मुझे मिस किया? नो, मम्मी जी के फोन का पासवर्ड क्या हो सकता है? उनका डेट ऑफ बर्थ? आहान का बर्थडे, आपकी बार गलत हो गया तो फोन ही बंद हो जाएगा। देखो, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूं,
तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड की होने वाली वाइफ हो, इसलिए आई एम लेटिंग यू गो। दोबारा ऐसी गलती मत करना। अरे अब तो इतनी छोटी सी बात को दिल से लगाकर बैठ गए, इतना सा मजाक किया था मैंने, करनी उंगली जितना। व्हाट्स करनी उंगली? आपकी लैंग्वेज बड़ी वीक है। ये इसे बोलते करनी उंगली, इसके जितना मजाक किया था मैंने आपके साथ, जिस पे आप अब तक नाराज हो रहे। अब ऐसे सुंदर सुशील भोली भाली प्यारी बेचारी लड़की से ऐसे नाराज होना अच्छा लगता है क्या? देखो ना तुम, सोनू कपड़े पसंद कर लिए तूने? मयंक, मयंक तू यहाँ क्या कर रहा है? और अंकल के साथ कौन है? I'm on a rescue mission, dude. किसे रेस्क्यू कर रहे हैं? तुझे और किसे? लहंगों और शरारों की शॉपिंग से रेस्क्यू करने आया हूँ तुझे। यार वो पापा सो गए थे, मेरे पास थोड़ा टाइम फ्री था तो मैंने सोचा थोड़ी तुम्हारी शॉपिंग करवा दूँ। ठीक सोचा ना? चलो तुम दोनों शॉपिंग कंटिन्यू करो, मैं और सुनू घर जा रहे हैं। चल आहन, हमें भी ड्रॉप कर दिया, मैं कैब से आया हूँ। लेकिन तेरी फियांसे की शॉपिंग हो गई? जो लेना था ले लिया। चले चलो। तू मैं मारना चाहती है ना? ये क्या कह रहे हो आप मम्मी जी, मैं आपको मारूंगी? हाय मैं तो ठीक तक नहीं मार सकती। मैं तेनू कसम दीती सी, फिर तू मोबाइल में सावित्री का नंबर क्यों ढूंढ रही? क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि वो अपने बच्चों से दूर क्यों रहती है। इसका मतलब है तू चाहती है कि मैं मर जाऊं। हाय हाय मरे आपके दुश्मन, आपने मुझे कसम दी थी ना कि बच्चों को माँ के बारे में कुछ नहीं बताना है, तो ना मैंने बताया है और ना मैं बताऊंगी। तो फिर मोबाइल में नंबर क्यों ढूंढ रही थी? अब बच्चों को माँ के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन माँ को तो बच्चों के बारे में बता सकते हैं ना। सावित्री भाभी का हक है कि वो ये जाने कि उनकी सोनू की शादी हो रही है। एगल है, ठीक है लगा फोन, बता दे फिर। हाँ बता दे बता दे बता। तुझे क्या लगा मैं सावित्री का नंबर अपने मोबाइल में रखूंगी, वो भी जब मुझे पता है कि मेरे घर में ही ऐसे दुश्मन हैं? तेरी सास हूं, रग रग से तुझे जानती हूं। ना तुझे सावित्री का नंबर मिलेगा और ना सावित्री को उसके बच्चों की खबर। आहान और सोनू उसके कुछ नहीं लगते, वो सिर्फ हमारे हैं। मम्मी जी वो माँ है उनकी, तभी पैदा करके छोड़ के चली गई उनको, मेरी जवान बेटे को खा गई वो। मैं आपके जख्मों को हरा नहीं करना चाहती। जवान बेटे की मौत का जख्म कभी नहीं भरता। कैसी है तू, कमरे में छुप के आई तू, फोन भी तूने चेक किया और रो भी तू रही है। मनाना मुझे पड़ेगा। सॉरी। कोई गल नहीं बेटा, सावित्री को भुला दे तभी हम सब खुश रह पाएंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.